That is EGM. EGM की full form क्या होती है? Extraordinary General Meeting. अच्छा कभी कोई emergency हो जाती है? देखते हो अरे पड़ोस में बड़ा शोर आ रहा है, जाके देखते हो दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, हाथों में डंडे वंडे ले चुके हैं, अब तो बस एक को ही हॉस्पिटल ही पहुंचने वाला है. क्या करते हो सबसे पहले? एम्बुलेंस बुलाते हो, मजे से खड़े होके देखते हो या फिर पुलिस को कॉल करते हो? हाँ जी मजे से खड़े होके देखते हैं. हाँ हम हिंदुस्तानी हम तो देखेंगे जी, हाँ करेंगे कुछ नहीं. हाँ जी कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कहीं पर कुछ अचानक से जरूरत पड़ जाती है, आप देखते हो कि कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है, तो व्हाट डू यू डू? यू कॉल पुलिस. पुलिस के लिए कौन सा नंबर डायल करते हो? 100 100 नंबर. तो EGM भी मैंने अभी बोला, ऐसी कुछ आपातकालीन विपदा आ गई कि AGM तक हम वेट नहीं कर सकते हैं. पीछे वाली AGM अभी होके गई है, काम बहुत ज़रूरी है, तो क्या नंबर डायल करना है? 100 नंबर. EGM का सेक्शन भी क्या है? 100, यानी कि इमरजेंसी में बुलाना. ठीक है, तो सेक्शन भी इसका कौन सा है? 100. ये सेक्शन याद रहेगा सबको. ठीक है, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी कि दो AGM के बीच में कुछ ज़रूरी काम करने के लिए जब मीटिंग बुलाई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम EGM बोलते हैं. ठीक है, अब EGM कौन बुलाएगा? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भाई लोग आ जाओ दोबारा से चाय समोसे खाने. ठीक है, और कोई और भी बुला सकते हैं EGM? हाँ जी, क्या मेंबर्स बुला सकते हैं EGM? क्या लगता है आपको? EGM कहते हैं मेंबर्स ही बुला सकते हैं. भाई मेंबर्स क्या करेंगे? पहले जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रिक्वेस्ट देंगे, सर जी देखो एक EGM बुला लो, आपके जो ये वाले डायरेक्टर हैं ना वाहियात किस्म के हैं, बिल्कुल काम वाम करना नहीं आता, हमें पता चला तो छठी पास है, हम इन्हें अपना डायरेक्टर नहीं रखना चाहते, हम इन्हें निकालना है. डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट दी, लॉ तो कहते हैं वैसे डायरेक्टर्स को इस रिक्वेस्ट पे क्या करनी चाहिए? EGM बुलानी चाहिए. लेकिन डायरेक्टर्स के बड़े चहेते हैं वो जो छठी पास वाले डायरेक्टर हैं, इनको कैसे निकाल दें? इनका चेहरा देखते तुम्हारे दिन की शुरुआत होती, कितने स्माइलिंग फेस हैं, गोलू गोलू से. अब डायरेक्टर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया वो EGM बुलाने के लिए, अब मेंबर्स क्या करेंगे? पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट दी कंपनी में डायरेक्टर्स को कि भैया EGM बुला दो, ये काम करना. डायरेक्टर्स ने बुला दी EGM तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टर्स ने EGM नहीं बुलाई तो फिर मेंबर्स क्या करें? खुद बुलाएं, तो कहेंगे चलो जी साइड हो जाओ डायरेक्टर, आप भी बाद में आते हैं, हम तो मेंबर्स हैं, हम तो इन्वेस्टर्स, हमने तो पैसा लगाया. अब यहाँ पर मेंबर्स खुद क्या कर सकते हैं? EGM कॉल कर सकते हैं. तो EGM देखो तीन लोग बुला सकते हैं, पहला आपके डायरेक्टर्स जैसे वो AGM बुलाते हैं नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, दूसरा कौन बुला सकते हैं? मेंबर्स ऑन रिक्वेस्ट, कि रिक्वेस्ट देंगे वो, डायरेक्टर्स नहीं बुलाएंगे तो फिर मेंबर्स खुद बुलाएंगे. तीसरा AGM भी अगर डायरेक्टर्स नहीं बुलाते थे तो हम किसको रिक्वेस्ट देकर आए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो तीसरी अथॉरिटी कौन है यहाँ पे जो EGM बुला सकती है? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. तो तीनों तरीके के AGM के हमें रूल्स पढ़ने हैं, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं, दूसरा मेंबर्स बुला सकते हैं, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट बुला सकते हैं. कब कब ये मीटिंग्स बुलाई जाएंगी वो सारे रूल्स हमें देखने हैं. तो तीन अथॉरिटीज हो गई इसकी देखो. पहला क्या हो गया? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिल्कुल वैसे बुलाएंगे जैसे AGM बुलाते हैं, तो इसको हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम AGM में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अपने आप मेंबर्स को नोटिस देंगे, अपने आप वेन्यू फिक्स करेंगे, अपने आप चाय नाश्ता आपके लिए तैयार करके रखेंगे, सारा काम कौन करेगा? कंपनी करेगी, डायरेक्टर्स करेंगे. दूसरा जो इसमें पढ़ने वाला पॉइंट है वो है बाय मेंबर्स. यहाँ पे मेंबर्स का मैं एक नामकरण कर रही हूँ, रिक्विजिशनिस्ट. मेंबर्स क्या दे रहे थे डायरेक्टर्स को? रिक्वेस्ट दे रहे थे, तो उनका क्या नामकरण कर देंगे हम? रिक्विजिशनिस्ट. तो दूसरी हेडिंग आती है ऑन रिक्विजिशन, यानी कि ऑन रिक्वेस्ट. अच्छा जी, अब मैंने कहा मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से. सपोज करो हम सारे शेयर होल्डर हैं, आप सबके पास एक 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 हज़ार शेयर हैं, मेरे पास इकलौता एक ही शेयर है, मगर मैं बड़ा बवाल में जाती हूँ हर चीज़ में, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए. अब वो जो थोड़े से हेल्दी से चबी से क्यूट से छठी पास डायरेक्टर है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने कहा इसको तो निकलवा के रहूँगी. मैंने कहा लॉ आता है मुझे, मैं रिक्वेस्ट दे सकती हूँ कंपनी को EGM के लिए. अब एक शेयर है मेरा, ठीक है,
मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास गई, मैंने चिट्ठी बनाई, मैंने अपने साइन किए और मैंने चिट्ठी दे दी, आप ईजीएम बुलाओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे कहने पर ईजीएम बुलाएंगे या बुलानी चाहिए? हाँ जी, एक शेयर होल्डर पे, यानी कि जिसके पास एक इकलौता शेयर है या दो शेयर हैं या तीन शेयर हैं, ऐसे लोगों के कहने पे ईजीएम अगर बुलाने लगे डायरेक्टर, तो रोज ईजीएम भी बुलाते रह जाएंगे। तो लॉ कहता है भाई कम से कम 10% लोग तो हो जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग हो। इतने लोग मिलकर रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हैं तो मान सकते हैं कुछ जेन्युइन रीजन होगा, कुछ जेन्युइन कारण होगा। तो यानी कि रिक्वेस्ट पे ईजीएम तभी बुलाई जाएगी जब कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, पूरी होंगी। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स देखो क्या है। सबसे पहले तो एक रिटर्न में आपको चिट्ठी देनी पड़ेगी और उसमें मैटर्स लिखने पड़ेंगे, सेट मैटर्स, कि क्यों बुलानी है भाई ईजीएम। सेट मैटर्स एंड साइंड बाय रिक्विजिशनिस्ट। अच्छा, अब आगे से ना रिक्विजिशनिस्ट को बच्चों में ऐसे लिखूंगी, ठीक है, आर ई क्यू ऊपर टी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म रिक्विजिशनिस्ट। तो पहले वो चिट्ठी लिखो, उसमें मैटर लिखो कि भैया क्यों आपको बुलानी है ये मीटिंग, और सारे रिक्विजिशनिस्ट उसे क्या करेंगे, उसे साइन करेंगे। अब साइन करने के बाद इसको जमा कहाँ पे करना है? हाँ जी, रजिस्टर्ड ऑफिस में ले जाके जमा करो, डिपॉजिट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस में खुद जाएं वहाँ पे बस ऑटो टैक्सी पकड़ के या अपनी गाड़ी लेके, या मेल करते तो चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक वोट चलेगा नहीं चलेगा? इसमें इसमें भी चलेगा। लोग कहते हैं भैया आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रिटर्न में चिट्ठी लेके जाओ और वहाँ पे जमा कराओ या कुरियर करो। करने को वो भी कर सकते हो, परमिटेड है, कुरियर कर दो, खुद बाय हैंड दे आओ, बट इलेक्ट्रॉनिक मोड भी क्या है, परमिटेड है, आप वो भी कर सकते हो, फैक्स कर दो, मेल कर दो, कंपनी के जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है तो वो भी चलेगा। तो इसमें आगे लिख लो इलेक्ट्रॉनिक मोड इज परमिटेड। अच्छा, अब सपोज करो हम सारे लोग चाहते हैं भाई ईजीएम हो, ठीक है, अब हम चाहते हैं, हमने एक मुहूर्त भी निकाला पंडित जी से, पंडित जी बताओ ईजीएम किस दिन होनी चाहिए, जिस दिन हमारा रेजोल्यूशन पास होगा। पंडित जी ने अगले महीने की 25 तारीख निकाल ली थी, ठीक है। अब आप चाहते हो कि 25 तारीख को ही मीटिंग हो, अब आप कंपनी में ये रिक्वेस्ट देने जा रहे हो, आप डेट सजेस्ट कर रहे हो कि मीटिंग कब हो, 25 तारीख को, और हमें पता है मीटिंग से पहले 21 दिन का कंपनी को क्या देना पड़ता है, सारे मेंबर्स को नोटिस देना पड़ता है, तो आपको कंपनी को भी 21 दिन देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे क्लियर नोटिस कि भैया 25 तारीख को अगर हम मीटिंग करना चाहते हैं तो आप 1-2 तारीख तक अपनी रिक्वेस्ट क्या कर दो, रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट कर दो। अगर आप 10 दिन पहले चिट्ठी दोगे तो कंपनी कहाँ से 25 तारीख को मीटिंग बुलाएगी, फिर तो कंपनी कहेगी नहीं भैया हम 25 तारीख को नहीं बुला सकते, हमें 21 दिन का गैप तो क्या करना पड़ेगा, रखना ही रखना पड़ेगा। तो अगर आप डेट सजेस्ट कर रहे हो तो उस सजेस्टेड डेट से 21 दिन पहले आपको अपनी क्या देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। ये भी लिखो, मे सजेस्ट डेट ऑफ मीटिंग एंड डिपॉजिट लेटर या रिक्विजिशन जो भी चिट्ठी है आपकी, एंड डिपॉजिट रिक्विजिशन बिफोर 21 क्लियर डेज ऑफ सजेस्टेड डेट। और 21 दिन क्लियर डेज इसलिए बोले ताकि कंपनी आगे 21 दिन का नोटिस क्या कर पाए, अपने मेंबर्स को सर्व कर पाए, ठीक है जी, बात समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस में ले जाके आपने क्या कर दिया, इसको डिपॉजिट कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं कितने लोग हो कम से कम, तब तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुने कोई एक्शन ले, एक एक मेंबर उठ के आ जाएगा थोड़ा ना, ईजीएम बुलाते रहेंगे वो, पूरा यही थोड़ा ना काम धंधा रह गया उनके पास कभी। हाँ जी, अभी मैंने बताया कम से कम 10%, यानी कि 1/10 वोटिंग राइट्स,
या फिर 1/10 सॉरी शेयर होल्डिंग आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके रिक्वेस्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कंसिडर नहीं करेंगे। मिनिमम मेंबर देखो कितने होने चाहिए, मिनिमम मेंबर्स। दो तरीके की कंपनी है ना, एक तो जिसमें शेयर कैपिटल है और दूसरी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है। दोनों का देखो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। भाई जिसमें शेयर कैपिटल है उसमें तो 1/10 पेड अप कैपिटल कर दो, ठीक है ना, 1/10 शेयर होल्डिंग कर दो, और जहां पे शेयर कैपिटल नहीं है वहां पे 1/10 वोटिंग पावर कर दो, 1/10 वोटिंग पावर। और ये जो भी 1/10 हम देख रहे हैं ना, ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन देख रहे हैं, उसके बाद चाहे कोई पर्सन अपने शेयर्स बेची क्यों ना दे। अभी एग्जांपल से समझाती हूँ, पहले इसको लिख लो, ऑन डेट ऑफ पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल, ठीक है, ऑन डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। एनए तो रिक्विजिशन है, टीए तो रिक्विजिशनिस्ट है, ठीक है। अब इसको समझो जरा, मैं कहना क्या चाहती हूँ, पहले वाला पॉइंट नोट करो फिर एग्जांपल से समझते हैं। नोट हो गया, ये एग्जांपल देखो इसका, पहले एग्जांपल समझाओ। देखो केस स्टडी है, एग्जांपल कह लो, केस स्टडी कह लो, ठीक है। अब यहां पे देखो, सपोज करो एक कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी, इसके 10 शेयर होल्डर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, सबके पास 10-10 शेयर हैं, 10 शेयर ईच। कितने टोटल शेयर्स हो गए कंपनी में, 100, ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं फुली पेड अप, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ मेंबर्स मिल जाए तब ये रिक्विजिशन दे सकते हैं, एक ही काफी है, एक भी आ जाए तो उसकी होल्डिंग कितनी हो जाएगी, 1/10। और अगर 5-5, 5-5 सबके पास हो और 20 मेंबर हो जाए तो कम से कम कितने मेंबर्स को मिलना पड़ेगा, 2 मेंबर्स को मिलना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आती है, अब देखो मेरे कहने का क्या मतलब है। अब सपोज करो यहां पर ये 1 और 2 इन्होंने मिलके कंपनी को क्या दी, रिक्विजिशन दी कि भैया क्या बुलाओ, ईजीएम बुलाओ, ठीक है जी। अब जिस दिन इन्होंने डिपॉजिट की ये रिक्विजिशन, दोनों के पास मिला के कितने शेयर्स हैं, 20 शेयर्स हैं, 10-10 शेयर्स मिला के, ठीक है, यानी कि तो 20% होल्डिंग है, जबकि हमें कितने चाहिए, 10% चाहिए, ठीक है जी। रिक्विजिशन अप्रूव होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। अब ये कोई भी डेट ले लो, क्या डेट है आज, 29, ठीक है ना, 29 मार्च को इनकी ये होल्डिंग है। अब इन्होंने क्या किया, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को 1 ने भी और 2 ने भी अपने 6-6 शेयर्स बेच दिए, यानी कि 20 में से 12 शेयर्स अब इनके हाथ से निकल गए हैं। बैलेंस कितना बचा, 20 में से 20 माइनस 8, 8 शेयर्स तो 10% नहीं है। क्या अभी भी हम इस रिक्विजिशन को वैलिड माने, ईजीएम बुलाएं, या इस रिक्विजिशन को फाड़ के फेंक दे और ईजीएम कैंसिल करें, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे,
बुलाएंगे, क्योंकि जो भी आपका क्राइटेरिया है वो कौन सा है, ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट और रिक्विजिशन है। बाद में इन्होंने अपने शेयर्स बेच भी दिए, ट्रांसफर भी कर दिए, डजन मेक एनी डिफरेंस। हमें ये जो भी क्राइटेरिया लेना है 1/10 का, ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट और रिक्विजिशन लेना है। ये बात सबको समझ में आती है, क्लियर है? चलो, तो कम से कम 1/10 वोटिंग पावर वाले या 1/10 पेड अप कैपिटल वाले लोग आएंगे तो हम रिक्विजिशन को कंसिडर करेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने अपना काम कर दिया, मेंबर्स इतने इकट्ठे हो गए, रिक्विजिशन बना ली, चिट्ठी बना ली, लव लेटर जाके किसको दिया है, कंपनी को दिया है जी, ये लो जी अब आगे का काम आपका, हमारी तरफ से तो ऑफर आ गया, अब किसने काम करना है? आपने तो चिट्ठी पकड़ा दी, जवाब कहाँ से आना है? अब कंपनी की तरफ से हाँ या ना भैया, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्टेड है या नहीं है, रिजेक्टेड है, ठीक है? अब यहाँ पर हम कहते हैं उनके प्रपोजल को हम कैसे जाने कि उनके दिल में क्या है, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने समय तो पलके झुका के लेटर रख ली, बड़े प्यार से मुस्कुरा के, कर कुछ नहीं रहे हैं, लेटर रख के बैठ गए हैं, ठंडे बस्ते में डाल दी, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, कब तक इंतजार करोगे? तो यहाँ पे लॉ कहता है ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 45 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलानी है, और अगर वो नहीं बुलाते तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद बुला सकते हो, और कम से कम उनको 21 दिन के अंदर स्टेप लेने। अगर 21 दिन तक उन्होंने कोई काम काज शुरू नहीं किया तो आप समझ जाओ कि वो आपके कहने पर मीटिंग बुलाने वाले नहीं है। 21 दिन के अंदर तैयारी शुरू कर देनी है, 45 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग बुला लेनी है। अगर 21 दिन में उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की है तो यानी कि आप 45 दिन के अंदर अंदर वो मीटिंग नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मीटिंग से पहले 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है? तो 21 दिन के अंदर अगर हमें दिख गया कि भैया इन्होंने नोटिस भेज दिए हैं, तब तो हमें पता चल गया कि भैया दिल से हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, मीटिंग बुलाने वाले। और 21 दिन के अंदर अगर उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है तो समझ जाओ कि बस मुस्कुरा के बेवकूफ बना के हमें वापस भेज दिया, करने वाले कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अगर 21 दिन में कुछ काम नहीं होता है तो अब मेंबर्स आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, खुद मीटिंग बुला सकते हैं। पहले से लिखो, फिर इसको एक केस स्टडी से पढ़ेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक एक्शन within 21 days to call meeting within 45 days ये सारे दिन स्टार्ट कब से होंगे, फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं, इफ नॉट तीन महीने का टाइम मिलता है मेंबर्स को खुद मीटिंग बुलाने के लिए, रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स कॉल मीटिंग। लिखो फिर इसको एक केस स्टडी से करते हैं, विद इन 3 मंथ्स। नोट कर लो, पहले पहले पॉइंट नोट करो। इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं इस वाले पॉइंट पे। रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ कॉल मीटिंग विद इन 3 मंथ्स। नोट हो गया सबका? चलो अब केस स्टडी पे आते हैं। अब देखो, एक तो मैं ले रही हूं डेट ऑफ रिक्विजिशन, जिस दिन आपने जमा की, ठीक है? आप मुझे बताना किसके पास कितना कितना टाइम है। डेट ऑफ रिक्विजिशन जो है दैट इज 1 सितंबर,
ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अफेक्टिव स्टेप कब तक लेने हैं, कितने दिन के अंदर अंदर अफेक्टिव स्टेप्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 21 डेज। क्या डेट हो गई भाई बता दो, ये 21 दिन कब से स्टार्ट होंगे, 1 सितंबर से, तो क्या तारीख हो गई 21 सितंबर। 21 सितंबर तक मेंबर्स के पास कोई चारा नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ टकटकी लगा के देखते रहो, भैया कुछ तो कर लो, नोटिस की टाइपिंग ही कर लो, अरे रिसेप्शनिस्ट को ही कॉल कर लो, अरे लेटर बना नहीं बना, आपके पास कुछ नहीं कर सकते हो, कोई राइट्स नहीं, कोई रेमेडी नहीं। 21 दिन आपको चुपचाप शांति से बैठना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक्टिविटीज को देखना पड़ेगा। अच्छा जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग कितने दिन के अंदर कंडक्ट करानी है, 45 डेज। ये 45 डेज भी कहां से स्टार्ट होंगे, यहां से 45 डेज, यानी कि क्या डेट बनी आपकी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर तक ईजीएम बुलाने का टाइम है किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। सारी डेट देखो डेट ऑफ रिक्विजिशन से चल रही है, 21 दिन भी 1 सितंबर से, 45 दिन भी 1 सितंबर से। अगर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अफेक्टिव स्टेप ले लिया, नोटेड बोर्ड बन गया चला गया, मेंबर्स को कुछ करने की जरूरत है नहीं, यानी कि आपको बुला लेगी मीटिंग, 15 अक्टूबर से पहले पहले मीटिंग हो जाएगी। अगर इस तारीख तक कोई स्टेप नहीं लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अब मेंबर्स क्या करेंगे, खुद बुलाएंगे। मेंबर्स को कितना टाइम मिला बताओ, 3 महीने। 3 महीने कहां से, फिर यहां से, और ये 3 मंथ्स कब खत्म होंगे, लगा लो पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, 30th नवंबर, 30 नवंबर तक का टाइम है कि मेंबर्स खुद क्या बुला ले, मीटिंग। बस समझ में आई सबको, सारे टाइम, सारी डेट, सारी कैलकुलेशन कहाँ से चल रही है, डेट ऑफ अफेक्टेड स्टेप के लिए कितने दिन है, 21 दिन। मीटिंग बुलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कितना दिन है, 45 दिन। मेंबर्स के पास कितना दिन है, 3 महीने। और ये सारी कैलकुलेशन कौन सी डेट से, डेट ऑफ रिक्विजिशन। देखा जाए बेचारे मेंबर्स कहने के लिए जरूर 3 महीने उन्हें दिए जा रहे हैं, मगर क्या उनके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में से 21 दिन, तो बेचारे चुपचाप शांति से खामोश बाहर टकटकी लगा के देखेंगे कुछ हो रहा है या नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो 3 महीने है नहीं उनके पास, 3 महीने में से कितने दिन माइनस कर दो, 21। देखा जाए 67 डेज कुछ बैठेंगे, तो यानी कि इतने ही दिन उनको मिलते हैं, पूरे 90 दिन उनको मिले नहीं है, क्योंकि 90 दिन में से कितने दिन चले गए उनके, 21 दिन तो चले, ठीक है जी। बात समझ में आती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने दिन में टाइम स्टेप लेना है और मेंबर्स को कितने दिन में स्टेप लेना है, क्लियर है सबको, चलो आगे चलते। अब यहाँ पर सपोज करो मेंबर्स ने खुद मीटिंग बुलाई, वेन्यू बुक किया, नोटिसेस भेजे, समोसे भी मंगाए, चाय भी मंगाई, सारा खर्चा पानी किया, वो खर्चा पानी कौन उठाएगा, कंपनी या मेंबर्स, कंपनी। मेंबर सारा खर्चा कर दे और बाद में पूरा बिल जो है किसके पास भेज दें, यानी कि खाए पिए किसके, अपने आप खर्चा किया, बिल किसको पकड़ा दिया, कंपनी को, और कंपनी की देने की जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि मीटिंग किसको बुलानी चाहिए थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुलाई नहीं, और कंपनी भी शरीफ नहीं है, कंपनी मेंबर्स को देगी और कंपनी किसकी जेब से काट लेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भैया तुमने बुलाई क्यों नहीं मीटिंग, अब रिक्विजिशन आई थी, 1/10 लोग भी खड़े थे, तुमने कंपनी का नुकसान कराया, तुम बुक करो, तो कंपनी किसको दे देगी, मेंबर्स को, और कंपनी किसकी जेब से काट लेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो तभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रहेगा अरे मीटिंग बुला लो, नहीं तो अपनी जेब से पैसे जाएंगे। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैसे बुला लेंगे तो कंपनी खर्चा करेगी, नहीं बुलाएंगे तो कंपनी बाद में उन्हीं पे पेनल्टी लगा देगी, ठीक है। तभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा कि अगर रिक्विजिशन की सारी फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो हम क्या कर लें, हम मीटिंग बुला लें। ये बात समझ में आती है, चलो लास्ट पॉइंट लिखो इसका। अच्छा यहाँ तक नोट हो गया ना, अब इसमें जगह नहीं है तो मैं आगे के पॉइंट्स वैसे लिख रही हूँ। ईजीएम बाय रिक्विजिशन चल रही थी ना हमारी, आगे के पॉइंट्स देखो, अफेक्ट्स क्या रहेंगे इसे, इसके
effects of this EGM? Same as called by board of directors. सारे resolutions जो पास होंगे valid माने जाएंगे. कंपनी को अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो उसका नोटिस आरओसी में भी फाइल करना पड़ेगा. तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बुलाई हुई मीटिंग में काम होते वैसे ही सारे इसमें भी काम होंगे. तो सेम एज मीटिंग कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और एक्सपेंसेस कौन भरेगा उस समय? तो रिक्विजिशन अपनी जेब से करेंगे, वो कंपनी को देंगे. कंपनी किसके में से काट लेगी? डायरेक्टर्स में से काट लेगी. एक्सपेंसेस बाय रिक्विजिशनिस्ट पेड बाय कंपनी एंड कंपनी डिडक्ट फ्रॉम डायरेक्टर या रिकवर फ्रॉम डायरेक्टर. अच्छा ईजीएम जो ये वाली ईजीएम होगी इसका भी नोटिस कैसे दोगे? देखो चाहे मेंबर्स ने खुद बुलाई लेकिन ये तो 1/10 मेंबर्स हैं. ईजीएम में तो बाकी सारे मेंबर्स भी आएंगे जिन्होंने रिक्विजिशन पे साइन नहीं भी किया है. भाई रिक्विजिशन पे जो मैंने एग्जांपल लिया था सिर्फ दो लोगों ने साइन किया था, नंबर वन है नंबर टू. बाकी जो 8 नंबर बचे हैं उनको भी तो बुलाना है, उनको तो नोटिस देना पड़ेगा. वो नोटिस कौन देगा? मेंबर खुद ही देंगे अगर रिक्विजिशनिस्ट बुला रहे हैं तो. वो नोटिस भी वो कैसे दे सकते हैं? यस, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, पोस्ट से या फिर कुरियर से. ठीक है तो लिख लो नोटिस बाय ईजीएम या तो स्पीड पोस्ट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ऐसे ही दे सकते हैं, रिक्विजिशनिस्ट भी ऐसे दे सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ऐसे दे सकते हैं. स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक में. ठीक है जी. अच्छा ईजीएम कहाँ बुलाना? डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम पढ़ा था ना भाई, जहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें या फिर उसी स्टेट में बुलाओ. ठीक है ईजीएम, ईजीएम जहाँ मर्जी बुलाओ. आपको मन है दुबई जाके मीटिंग करेंगे तो दुबई जाके करो. ठीक है बट ये नहीं कि रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाई दुबई में कि सारे 5-star होटल में रुके, अब गए हैं तो घूम के भी आएंगे, 6 दिन का ट्रिप लिया और सारा बिल कंपनी को पकड़ा दिया, वो नहीं चलेगा. ठीक है अगर रिक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग बुला रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं तो दैट शुड बी रीजनेबल. रीजनेबल कभी डिफाइन नहीं होता, दैट डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट्स ऑफ दी केसेस. ठीक है बट हाँ ईजीएम आप कहीं पर भी कर सकते हो. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं सारे मेंबर्स आओ जी दुबई में मिलेंगे और खर्चा हम देंगे, क्या टिकट हम देंगे, भगवान करे हमारी कंपनी में ऐसे ही बुलाएं. ठीक है कंपनी की जैसी जाएगा वो, आप देखो कि आप उसको खर्चे को जस्टिफाई कैसे करोगे अपने मेंबर्स को. ठीक है लेकिन अगर आपकी ईजीएम सिंगापुर में हो रही है, दुबई में हो रही है, मुंबई में हो रही है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली है तो प्रोसीडिंग्स वैलिड रहेंगे क्योंकि लॉ ये कहता है कि आप अपनी ईजीएम कहीं पर भी कर सकते हैं. ठीक है अंदर के प्रोसीजर्स की आप कैसे परमिशन लोगे, उस खर्चे को ऑडिटर्स को कैसे जस्टिफाई करोगे भैया क्योंकि दुबई में 400 क्यों खर्चा किया आपने, कंपनी के पास इतने फाइनेंसेस नहीं है तो क्यों किए? ऑडिटर भी तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, फाइनेंस वाले भी तो बैठे ही हैं बाद में. लेकिन लॉ कहता है करना चाहो तो कर सकते हो, हमारी तरफ से क्या है परमिशन. ठीक है तो ईजीएम में लिखो ईजीएम मे बी हेल्ड, ये नोट है, एट एनी प्लेस इवन दो सच प्लेस इज आउटसाइड द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी सिचुएटेड. ये बात समझ में आती है सबको? अच्छा
दो तरीके तो हमने पढ़ लिए, एक तो ईजीएम पहले कौन बुला सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें पढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं, जैसे वो ईजीएम बुलाते हैं वैसे ईजीएम भी बुला लेंगे। दूसरा रिक्विजिशनेस वाली हमने पढ़ ली, मेंबर खुद कैसे मीटिंग बुला सकते हैं, क्या टाइम लिमिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तीसरी अथॉरिटी कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तीसरी अथॉरिटी अब हमें पढ़नी है, ईजीएम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। EGM by tribunal. Section 98. अब देखो EGM tribunal कब बुलाती है? Suppose करो कोई बहुत important matter है, और जैसे मैंने EGM में बताया ना कि कुछ deadlock आ गया है, चार directors हैं, दो कुछ बोल रहे हैं, दो कुछ बोल रहे हैं, EGM बुला नहीं पा रहे। अब कंपनी को, members को या खुद directors को भी लग रहा है कि भाई अगर ऐसे डेडलॉक हो गया तो काम कैसे चलेगा, तो डायरेक्टर भी एप्लीकेशन दे सकता है, मेंबर भी एप्लीकेशन दे सकता है, और कंपनी खुद भी एप्लीकेशन दे सकती है कि भाई आप अब हमारे लिए क्या बुलवाओ, क्या कॉल करवाओ, ईजीएम बुलवाओ। तो यानी कि जहां कहीं पर भी ईजीएम बुलानी इम्प्रैक्टिकेबल हो रही है, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, डेडलॉक हो रहा है मैनेजमेंट में, तो सिर्फ मेंबर ही नहीं, यहाँ तक कि खुद डायरेक्टर या फिर खुद कंपनी भी क्या दे सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल की, आप हमारे लिए क्या ऑर्डर कर दो, एक मीटिंग के कॉल करने का ऑर्डर कर दो। तो लिख लो इसे, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल मीटिंग an application to tribunal, tribunal अपनी own motion पे भी order दे सकती है, कोई उसको लग रहा है बड़ा important काम है, पता नहीं company क्यों meeting नहीं बुला रही है, तो own motion पे भी हो सकता है, either in its own motion यानी कि अपने आप से, या फिर any director या फिर कोई मेंबर। क्या दे देगा, एप्लीकेशन दे देगा, और एप्लीकेशन के बाद ट्रिब्यूनल क्या कर देगी, ऑर्डर कर देगी, अगर उसको टिक लगेगा तो ऑर्डर फॉर। एंड अदर नेसेसरी करेक्शन, ठीक है जी। ईजीएम समझ में आ गई, तीन लोग बुला सकते हैं, पहला कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा कौन, मेंबर्स, रिक्विजिशनर्स, तीसरा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर किसके पास है, ट्रिब्यूनल के पास है, ठीक है। चलो जी ये नोट करो, ईजीएम का जो पोर्शन है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आगे अदर लॉस करते हैं, नोटिस कर लेते हैं, नोटिस इंपॉर्टेंट है। पहले नोटिस ही करते हैं। हाँ जी ये नोट हो गया सबका। अब हम शुरू से एजीएम में पढ़ रहे हैं, नोटिस देना। अब नोटिस में क्या क्या लिखना है, नोटिस किस किस को जाना है, चिट्ठियाँ किस किस को पहुँचनी चाहिए, चिट्ठी में क्या लिखना है, और चिट्ठी कितने दिन पहले भेजनी है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं, लॉ में लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर लेटर सही टाइम पर सही व्यक्ति को सही तरीके से मिलेगा तभी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं जी एक दिन पहले चिट्ठी भेज रहे हो, सर जी कल आ जाना, कल मीटिंग है, तो कहेगा अरे कल तो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं कैसे आऊँ, भैया इतना बिजी शेड्यूल है सबका, इतनी बिजी लाइफ है सबकी, तो आपको कम से कम 21 दिन का टाइम तो देना चाहिए ना कि अपनी तैयारी कर लो, अपनी वो डेट फिक्स कर लो कि वहाँ मुझे कुछ और काम नहीं करना है उस डेट को, मुझे क्या करना है, कंपनी की मीटिंग में जाना है। तो अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन देख रहे हैं, दैट इज सेक्शन 101 नोटिस, सेक्शन
सौ के बाद क्या आता है 101, ठीक है। पुलिस स्टेशन जाते हो, थाने जाते हो, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, भाई साहब अपनी कंप्लेंट लिख दो एक चिट्ठी पे, ठीक है ना। तो 100 के बाद कौन सा सेक्शन, 101। नोटिस भी क्या है, चिट्ठी ही लिख रहे हो, ठीक है। नोटिस कितने दिन पहले देना होता है नोटिस, 21 क्लियर डेज नोटिस। अब ये क्लियर डेज जो है ना, इसमें बड़ा लोचा अभी पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। तो कितने दिन पहले देना, 21 दिन पहले नहीं, 21 क्लियर डेज नोटिस देना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, नोटिस शैल बी गिवन बिफोर 21 क्लियर डेज। अच्छा, आपकी जितनी भी सेक्शन 8 कंपनीज है ना, उसमें ये 21 दिन की जगह 14 दिन है, ये प्रिविलेज है उन्हें, ठीक है। तो ये लिख लेना, नोटिस शैल बी गिवन बिफोर 14 क्लियर डेज इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। बाकी सबके लिए 21 दिन ही है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए हमने प्रिविलेज दी हुई है कि आप कितने दिन पहले दे सकते हो, 14 दिन पहले दे सकते हो। अच्छा, अब 21 दिन पहले नोटिस देना है। सपोज करो एक प्राइवेट कंपनी है, मात्र 8 शेयर होल्डर्स हैं इसके। अब सबने कहा कुछ अर्जेंट हो गया कि भाई ईजीएम बुलानी है, ये नोटिस तो सब में देना है, ईजीएम में भी देना है, एजीएम में भी देना है। सबने कहा अरे 21 क्लियर डेज का नोटिस तो नहीं दे पाएंगे, कंपनी ने 8 शेयर होल्डर को बुलाया। वही ऐसे भाई 10 दिन पहले नोटिस दे दे तो चलेगा क्या, शेयर होल्डर ने कहा ठीक है जी, हम तो सारे घर का ही तो मामला है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, कोई बात नहीं जी 10 दिन पहले दे दो। तो क्या 10 दिन पहले नोटिस दे के भी आप मीटिंग बुला सकते हो? आपके 8 के 8 शेयर होल्डर घेरा बना के बैठे, आप उनको बता भी रहे हो, वही मेंबर्स हैं, 8 शेयर होल्डर है, वही 8 मेंबर्स हैं, कंसेंट लेके कर सकते हैं, और वो तैयार है जी 10 दिन पहले भी दे दो, हमें तो आना ही है, हमारी तो इतनी मेजर शेयर होल्डिंग है, हमने कहा जाना है, आ जाएंगे सारे, कोई टेंशन नहीं है जी, आप 10 दिन पहले भी नोटिस दे दो। तो क्या ये वैलिड नोटिस कंसिडर करेगा लॉ में? बिल्कुल करेगा। लॉ ये कहता है अगर आप 95% मेंबर्स की रिटर्न में कंसेंट ले लेते हो कि भैया हम तैयार है शॉर्टर नोटिस पे भी, तो आप शॉर्टर नोटिस पे भी क्या बुला सकते हो, मीटिंग बुला सकते हो। बट 95% मेंबर्स आपके क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मीटिंग कैन बी कॉल्ड ऑन शॉर्टर नोटिस इफ 95% होल्डर्स ऑफ, ऐसे कर लो होल्डर्स ऑफ, इफ होल्डर्स ऑफ 95% ऑफ, एसी बंद किया है किसी ने भी, कैसे किया बंद आपने, कौन से रिमोट से, या अपने फोन के रिमोट से किया? नहीं, फोन में तो आजकल वो सारे ठीक। चलो 95% ऑफ पेड अप कैपिटल गिव कंसेंट इन राइटिंग, PUC यानी कि पेड अप कैपिटल, गिव कंसेंट इन राइटिंग। राइटिंग में भी दे दें या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दें? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड तो आजकल हर जगह परमिटेड है, तो राइटिंग में या ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक मोड भी कर लें, ठीक है। तो भैया चलो ठीक है, ये भी समझ में आता है, शॉर्टर नोटिस भी हो सकता है। अब समझने वाली चीज क्या है, इसका क्या मतलब है क्लियर डेज नोटिस? अब देखो जिस दिन आप चिट्ठी डालते हो डब्बे में, कुरियर वाले को देते हो, क्या इमीडिएटली पहुंच जाती है या टाइम लगता है, एक दिन दो दिन का टाइम लगता है ना? तो लॉ कहता है 21 दिन में 48 घंटे और जोड़ दो। 48 घंटे कितने हुए, यानी कि 2 दिन और जोड़ दो। वो 2 दिन आप किसके लिए रखो, ट्रांजिट के लिए रखो, क्योंकि आज यहाँ से चिट्ठी चली है
अब आपका एक शेयर होल्डर मुंबई में भी रह सकता है, एक कैलकटा में भी रह सकता है, दिल्ली से चिट्ठी भेजोगे तो मेल तो इमीडिएटली पहुंच जाएगी मगर बाकी चिट्ठियों में तो टाइम लगेगा। तो वहां पर हम ये कहते हैं कि आप 48 घंटे 21 दिन में क्या कर दो, आप ऐड कर दो और फिर हम मानेंगे कि 21 क्लियर डेज है, यानी कि 21 दिन पूरे ये, 48 घंटे वो, दो दिन और हो गए यानी कि 22 और 23 दिन, पूरे दो दिन छोड़ने पड़ेंगे तो यानी कि 24वें दिन जाके आप क्या कर सकते हो, आप मीटिंग कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल लो, समझ में आ जाएगा। एक केस स्टडी लेते हैं। नोटिस जो है मैंने 1 जुलाई को भेजा है, नोटिस सेंट ऑन 1 जुलाई। इसको डीम्ड टू बी डिलीवर्ड किस दिन मानू, बीच में 48 घंटे छोड़ने हैं मैंने, तीन जुलाई, एक जुलाई को किया, एक जुलाई पूरा, दो जुलाई पूरा, तीन जुलाई को मैंने माना कि भाई आपकी जो है चिट्ठी वहां पहुंच गई। तो डीम टू बी डिलीवर्ड किस दिन माना जाएगा, ये 3 जुलाई को। अब क्लियर डेज कब से स्टार्ट होंगे आपके, 4 तारीख से, 3 को तो पहुंची है चिट्ठी। अब जिस दिन चिट्ठी पहुंची उसके बाद 21 दिन भी तो छोड़ने हैं, तो क्लियर डेज किस दिन से स्टार्ट होंगे, 4 जुलाई से स्टार्ट होंगे। क्लियर डेज स्टार्ट्स फ्रॉम, तो यानी कि 4 जुलाई आपका पहला दिन है, 4 जुलाई से लेकर अब 21 दिन लगाओ, 21 डेज खत्म कब होंगे, 21 डेज एंड ऑन 24 को खत्म हो जाएंगे। 4 जुलाई का दिन तो गिन लो ना, 4 जुलाई तो गिनोगे ना, क्योंकि 3rd तक हो गया हमारा, डिलीवर हो गया, तो 4th दिन मेरा, 4th जो जुलाई है वो मेरा पहला दिन है, 21 दिन गिनोगे तो 24 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो यानी कि मीटिंग आप किस दिन रख सकते हो, 25 तारीख को रख सकते हो, 25 तारीख से पहले मीटिंग नहीं रख सकते, 25 को रखो, 26 को रखो, 27 को रखो, 28 को रखो, वो माने, लेकिन 25 से पहले आप किसी हाल में मीटिंग नहीं रख सकते। तो मीटिंग कैन बी हेल्ड उसके अगले दिन ही को मीटिंग रख सकते हो, तो मीटिंग यहाँ पर किस दिन रख सकते हो, 25 तारीख को मीटिंग आप रख सकते हो। हाँ, इसके बाद जो मर्जी रखो, 26, 27, 28, 29, उसमें मर्जी आपकी, 25 से पहले नहीं रख सकते, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ मतलब कि 21 क्लियर डेज का मतलब है एक ढंग से आपके 25 दिन हो गए रफली अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। 48 घंटे वो, एक दिन डिलीवरी वाला दिन आपको छोड़ना ही पड़ जाएगा, तो मोटा मोटा अगर कैलकुलेट करोगे तो 21 दिन की जगह ये 25 दिन बैठेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि 21 क्लियर डेज नोटिस का क्या मतलब है? लेकिन ये याद रखना, ये 21 क्लियर डेज नोटिस जो है ना बच्चे, ये सिर्फ जनरल मीटिंग्स के लिए हैं। बाकी अगर आप अपने मेंबर को, अपने शेयर होल्डर को कोई भी नोटिस भेजते हो तो उसमें 48 घंटे वाला रूल अप्लाई नहीं होता। आंख बंद करके सब जगह मत अप्लाई कर देना कि मैं, हमने कहा था 48 घंटे, नोट लिखना है लिख लो, वैसे मैंने बुक में दिया हुआ है कि 48 घंटे वाला जो रूल है ये सिर्फ हमारी जनरल मीटिंग्स के नोटिसेस पे अप्लाई होता है, अप्लाई ओनली ऑन दी नोटिसेस ऑफ जनरल मीटिंग, बाकी नोटिसेस पे सब पे नहीं होता है, ठीक है। इन एनी अदर केस आपका जो भी दिन दिए उतना सीधा काउंट होगा, लिखना लिख लो, दिस रूल अप्लाई इन द केस ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। इन एनी अदर केस, तो जिस दिन आपने डिलीवरी की पोस्ट में डाला उसी दिन हमने मान लिया कि जी टाइम शुरू हो गया, वो भी लिख लो। एनी अदर केस, टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ डिलीवरी इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, ठीक है जी। ये दोनों चीजें मैंने आपको लिखवा दी,
एक छोटी सी अमेंडमेंट वैसे लास्ट टाइम आई तो थी निजी कंपनीज में लेके, ऐसे ही बता देती हूँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है, तो किसी बुक में पढ़ो तो गलत मत इंटरप्रेट कर जाना, सारी कंपनीज के लिए नहीं है वो अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट सब निधि कंपनीज के लिए थी। वो निधि कंपनीज में उन्होंने कहा कि भाई जिन शेयर होल्डर्स के पास 1000 की फेस वैल्यू के शेयर हैं उनको खाली नोटिस दे दो, जिनके पास 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये हैं उनको कहाँ तक आप डॉक्यूमेंट सर्व करते रहोगे, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि फाइनेंस कंपनीज हो गई ना निधि कंपनीज। तो निधि कंपनीज में ये रूल आया था कि भाई जिनके पास 1000 तक की शेयर होल्डिंग है, 1000 रुपये की फेस वैल्यू की शेयर है उनको तो आप डॉक्यूमेंट सर्व करो, और जिनके पास 1000 से कम है उनको डॉक्यूमेंट्स आप नहीं भी सर्व करोगे तो कंपनी डिफॉल्टर नहीं मानी जाएगी। बट ये सिर्फ निधि कंपनीज के लिए था, बाकी सारी जनरल कंपनीज में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो कहीं पढ़ लो तो इसलिए बता रही हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाओ कि पता नहीं ये क्या चीज़ है मैम ने बताई नहीं, ठीक है। चलो ये नोट हो गया सबका। हाँ कुछ पूछना है बच्चे बोलो। निधि कंपनी साइको कंपनी भी मैंने कराई थी ना आपके, देखो वहाँ पे भी मैंने इन शॉर्ट आपको बोला था चिट फंड्स नहीं होते, वैसी होती है निधि कंपनी फाइनेंस कंपनी, सबने पैसा डाला फिर इसका पैसा एक बार में उसको मिल जाएगा, वही जब आप वो कॉरपोरेट फॉर्म में करते हो तो वो निधि कंपनी कहलाती है, ठीक है। चलो अब नोटिस में लिखे क्या और चिट्ठी भेजे कैसे, हवाई जहाज बना के उड़ा दें, हाँ जी या एनवेलप में डालें, स्टैंप लगाएं, प्रॉपर एड्रेस लिखें, कब लॉ ये माने कि भैया मैंने अपनी तरफ से चिट्ठी अच्छे से पोस्ट कर दी, जब अच्छे से साफ सुथरे एनवेलप के अंदर लव लेटर डालोगे नोटिस डालोगे थोड़ा सजा सजा के अच्छे से क्लियरली एड्रेस लिखोगे, वरना ऐसा ना हो भेजनी इधर थी पहुँच इधर गई, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लॉ ये कहता है व्हेन अ एनवलप ड्यूली एड्रेस विद द प्रॉपर स्टैम्पिंग इज पोस्टेड वी कंसिडर दैट द नोटिस हैज बीन डिलीवर्ड, ठीक है। तो एक ही लाइन है बुक में से देख लेना मैंने दिया हुआ है कि जब आप एनवलप पे प्रॉपर एड्रेस लिख के वो एड्रेस जो कि शेयर होल्डर ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, अगर पुराना एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है तो आप पुराने वाला ही लिखोगे, आप उसके पीछे डिटेक्टिव की तरह नहीं भागते रहोगे, आपके रिकॉर्ड में मेंबर का जो भी लेटेस्ट एड्रेस है उस पे आपने चिट्ठी भेज दी, यानी कि आपने अपना काम पूरा कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका एड्रेस नहीं होगा आपके पास, फिर उनको नोटिस कैसे दे, हमें तो डिफॉल्टर होना नहीं है, हमें तो सबको देना है, फिर ईमेल आईडी भी नहीं है, वो नेट यूज ही नहीं करता बंदा, अनपढ़ है, हाँ फोन नंबर बंद जा रहा है, स्विच ऑफ, हाँ जी हाँ अभी उसके पप्पा ने शेयर लिए थे ट्रांसमिट होकर उसके पास आ गए हैं, उसका एड्रेस नहीं है फोन नंबर नहीं है क्या करें, हाँ पप्पा सिधार हुए ऊपर, हाँ जी अब क्या करें। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देती है, वो 21 दिन वाला पहले वाला क्राइटेरिया है कि भाई हम अपनी मीटिंग इस दिन कर रहे हैं, नोटिसेज हमने पोस्ट कर दिए, जिसको नहीं मिले उनके लिए ये क्या कंसिडर कर दिया जाएगा, नोटिस कंसिडर कर दिया जाएगा। तो जिस भी रजिस्टर्ड ऑफिस में स्टेट में आप बैठे हो वहाँ का जो भी न्यूज़पेपर है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है उसमें आप एक नोटिस दे दो कि भैया हमारी कंपनी की मीटिंग इस दिन है और ये जो हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं दिस इज कंसिडर्ड एज नोटिस ऑफ दी मीटिंग टू ऑन ऑल दी शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स टू हुम लेटर्स हैव नॉट बीन रीच, जिन तक चिट्ठियाँ नहीं पहुँची, किसी से पढ़वा लेगा और टीचर होना लगा के देंगे उसको, ठीक है। कंपनी इससे ज्यादा क्या कर सकती है, उसको बुला के पहले ट्यूशन क्लासेस दिलवाएगी, मैं कंपनी को तो ये भी नहीं पता ना कि अनपढ़ है, ठीक है। तो कंपनी मैक्सिमम ये कर सकती है, सबको चिट्ठियां भेज दी, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दे दिया और वो एडवर्टीजमेंट जो है वो सब पे नोटिस सर्वड माना जाएगा जितने भी लोगों के एड्रेस कंपनी के पास नहीं या जो उस जगह पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो लिख लो ये पॉइंट, सर्विस ऑफ नोटिस प्रॉपरली एड्रेसिंग रीपेइंग, और ये नहीं एड्रेस लिखा स्टैंप लगाई नहीं, भैया उसी से ले रहे ना पैसे, जब चिट्ठी पहुंचेगी
होता ना कई बार बिना स्टैम्प का लेटर आता है तो आपसे डबल पैसे लेते हैं वो, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। आप पहले से उसको प्री पे करके भेजो, प्रॉपरली एड्रेसिंग, प्री पेइंग। अगर शेयर होल्डर ने पहले से रिक्वेस्ट दे रखी कि भैया मुझे तो रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना, और रजिस्टर्ड पोस्ट का खर्चा भी उसने जमा करा रखा है कंपनी में, तो फिर आपको उसको नोटिस कैसे भेजना पड़ेगा? रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना पड़ेगा, बट वो ऑन रिक्वेस्ट होगा, वो भी खर्चा पानी जमा कराने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने सर्विस ऑफ नोटिस में क्या बोला, न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट नोटिस एडवर्टाइजिंग इन न्यूज पेपर, एंड इट इज एंड इट डीम्ड टू बी सर्व न्यूज पेपर में 21 क्लियर डेज नोटिस कुछ नहीं है, वो तो जिस दिन छपा उसी दिन से पहला दिन स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। पोस्ट थोड़ी ना कर रहे जो 48 घंटे चाहिए आपको, and it deemed to be served on the day of appearance of advertisement on all members who has no registered address in India, या तो इंडिया में है ही नहीं वो, या फिर उन्होंने अपना एड्रेस नहीं दे रखा है, वॉट एवर रीज़न कंपनी के पास उनका एड्रेस नहीं है, ठीक है। उन सब पे हम मान लेंगे कि भैया ये नोटिस क्या हो गया, सर हो गया। चिट्ठी में लिखोगे क्या? कहाँ हो रही है मीटिंग? मेरे प्रिय शेयर होल्डर, हाँ आप आएंगे तो हार्दिक प्रसन्नता होगी हमें, कूपन मिलेगा हल्दीराम का। हाँ हाँ जी, क्या क्या कंटेंट्स होंगे? कंटेंट्स ऑफ नोटिस, देखो प्लेस जैसे मैंने बोला ये बताएंगे सबसे पहले तो मीटिंग है भैया, कैसी मीटिंग है, एजीएम है, ईजीएम है, कब हो रही है, कहाँ पर हो रही है, किस दिन हो रही है, आपको कितने बजे पहुंचना, तो डे टाइम एंड प्लेस ऑफ दी मीटिंग और सारी डिटेल्स जो मीटिंग की होंगी नोटिस में, जितने भी आपको रेजोल्यूशंस वहाँ पास करने हैं वो भी नोटिस में ही चले जाते हैं। मैंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी बताई थी, किसमें चली जाती है? नोटिस में ही चली जाती है, याद है ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब जाती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ज़रा बताना क्या भेजते हैं, कुछ तो भेजते ही हैं। हाँ ठीक बोल रहे हो। अच्छा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब जाती है ये बता दो, वेरी गुड। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है क्या? सारे स्पेशल रेजोल्यूशंस में जाती है, कभी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में नहीं जाती है क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? मैंने ना आपको दो चीज़ें बताई थी बहुत स्टार्टिंग में, दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं, स्पेशल एंड ऑर्डिनरी, और दो तरीके के बिजनेस होते हैं, स्पेशल एंड ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी बिजनेस तो सारे किस में ट्रांजैक्ट होते हैं? एजीएम में, ठीक है, वो एजीएम के अलावा कभी ट्रांजैक्ट नहीं हो सकते। और वो ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ चार ही होते हैं, पहला कौन सा? बैलेंस शीट आपने ले की अपने शेयर होल्डर्स के सामने, दूसरा डिविडेंड डिक्लेयर किया आपने, तीसरा अगर आपको अपने कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट करना है, यानी कि जो ईयरली बेसिस पे रोटेशन चलेगी, और चौथी अपने ऑडिटर को या तो अपॉइंट या रीअपॉइंट करना। स्टार्टिंग की क्लास में नहीं बताया था? कह रहे हो तो पता नहीं हो सकता, फिर सुन लो, चलो दो मिनट पहले देखिए, मैंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जब बताई होगी तो पक्का बताया होगा कि नोटिस के साथ जाती है और रेजोल्यूशन के साथ जाती है। अच्छा चलो सुन लो भाई, सुन लो, चलो देन माई मिस्टेक। चलो देखो, रेजोल्यूशंस भी दो तरीके के होते हैं,
और बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं, क्योंकि सारे काम करने तो हमने मीटिंग में ही है थ्रू रेजोल्यूशंस। दो तरीके के जो रेजोल्यूशंस हैं, एक हो गया ओआर, एक हो गया एसआर। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद मोर देन 50% मेजॉरिटी, एसआर मोर देन 75% मेजॉरिटी। बिजनेस भी दो होते हैं, वन इज ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस में हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास होता है, स्पेशल बिजनेस में ओआर भी पास हो सकता है और एसआर भी पास हो सकता है। कंपनी लॉ ने जहां जो पास करने के लिए बोला हुआ, ये आप और मेरी मर्जी पे नहीं चलेगा, ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली चलेगा कि कहां ओआर पास करना है और कहां एसआर पास करना है। याद करो जब हमने ऑल्टरेशन पढ़ी थी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो वहां पे कई बार हमने सिर्फ और सिर्फ ओआर भी पास किया था, ठीक है। एमओए में कई जगह हमने ओआर भी पास किया था, अगर याद हो कुछ प्रोसीजर्स तो, या भूल गए सर? चलो अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी, छोड़ो। ये समझो, रेजोल्यूशन ओआर और ऐसा दो तरीके के रेजोल्यूशन, बिजनेस भी ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस में हमेशा कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल बिजनेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है और स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है। हर स्पेशल बिजनेस में चाहे ओआर पास करो या एसआर पास करो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी जाएगी। स्पेशल बिजनेस जो है ये आपका एजीएम में भी ट्रांजैक्ट हो सकता है और ईजीएम में भी ट्रांजैक्ट हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ सिर्फ और सिर्फ हमेशा एजीएम में ही ट्रांजैक्ट। ये वाले रेजोल्यूशंस आप ईजीएम में पास कर ही नहीं सकते। अभी आएगा ये सेक्शन मीटिंग में, सिर्फ चार तरीके के ही ऑर्डिनरी बिजनेस है पूरे कंपनी में, पांचवा कुछ भी काम करोगे तो वो सीधा किस में चला जाएगा? स्पेशल में चला जाएगा। स्पेशल में जाते ही उसके साथ क्या जाएगी? एक्सप्लेनेटरी। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किस में जाएगी? नोटिस में। अब बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये नोट करना है, नोट करना। तो अब स्पेशल बिजनेस में और स्पेशल रेजोल्यूशन में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। स्पेशल बिजनेस में और भी पास हो सकता है, ठीक है, ये नोट करो। हो गया नोट? चलो दोबारा से अपने कंटेंट्स ऑफ नोटिस पे आ जाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो जैसे कंटेंट ऑफ नोटिस में इसने बोला कि भाई मीटिंग बताओ कब है, कितनी कितने बजे है और किस जगह पर है। तो डिटेल्स अबाउट दी मीटिंग, प्लेस, डे, टाइम। एंड स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस। स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो? एजीएम में ऑर्डिनरी करोगे, ईजीएम में सारे स्पेशल ही होंगे। किस में कौन कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, उस रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट, और अगर वो स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड है तो उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी किस में जाएगी? नोटिस में ही जाएगी। क्लियर है? तो स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस में सारी चीजें आ गई कि आप ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो, आप स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो, कौन से बिजनेस में कौन सा रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, उस रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट और उस रेजोल्यूशन का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इफ रिक्वायर्ड, तो वो भी किस में जाएगा? आपका नोटिस में जाएगा। तो मैंने एक वर्ड लिख दिया उसके लिए, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। नोटिस में ये भेज दिया। अब नोटिस भेजने किस किस को है? एंटाइटलमेंट ऑफ नोटिस, पैम्फलेट की तरह सबको बांटोगे या लोगों के घर पे भेजने हैं जब एड्रेस लिख के, तो पता तो होना चाहिए ना किसको भेजने हैं जी, किस किस को भेजेंगे? मेंबर्स सारे, और पहला तो आ गया मेंबर्स, एवरी मेंबर। दूसरा बताओ। हाँ जी, अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई है और इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो इंसॉल्वेंसी में किसको लेटर जाएगा? ऑफिशियल रिसीवर को, असाइनी को, और डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी को। तो अगर कोई ऐसा केस है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जिसको शेयर्स ट्रांसमिट होंगे उसको भी हम क्या भेज दें? नोटिस भेज दें। तो दूसरा, इन केस ऑफ डेथ एंड इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर,
टू एंटाइटल्ड पर्सन, जो भी एंटाइटल्ड हो उस नोटिस के लिए। और किसको जाएगा नोटिस? कंपनी को, कंपनी तो दे रही है सबको नोटिस, डायरेक्टर्स को जाएगा। और ऐसे तो डायरेक्टर्स खुद मीटिंग बुलाते हैं, तो एजीएम है, एजीएम के नोटिस की उनको इतनी जरूरत होती नहीं है। और ऑडिटर्स को, ऑडिटर को ये नोटिस जाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑडिटर का नोटिस नहीं देते हो ना, तो आपका नोटिस इनवैलिड हो जाएगा, आपकी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, यानी कि अपनी कंपनी के सीए को भेजो, बुलाओ उसको। चलो तीसरा तो पहले आपने क्या बोला, डायरेक्टर, और चौथा यहाँ पे क्या हो गया आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इन सारे लोगों को आपको क्या भेजना है, नोटिस भेजना है। अच्छा चलो जी, कंपनी ने सपोज करो कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर, मैंने 10,000 नोटिस बनाए, ऑडिटर का भी नोटिस बनाया, कुरियर वाला आया, मैंने कहा भैया देख ये है, ये डिलीवर करता चल। मैंने तो 2 महीने बाद मीटिंग रखी है, लेकिन इतने लोगों तक पहुंचने में लगेगा, तो सबको नोटिस मिल जाए तो आराम से पहुँचा दूंगा। कुरियर वाले ने वो बंडल्स उठा उठा के अपने बैग में रखने शुरू किए। अचानक से वो रिसेप्शनिस्ट आई, मैंने कहा हाँ भैया हो गया, हम बड़ी सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट हैं। कुरियर वाले का ध्यान भटक गया, और 7-8 लेटर वाला जो एक बंडल था वो हाथ से छूट के टेबल के नीचे चला गया। बाकी सारे बंडल पहुँच गए बाग में, लेकिन जैसे ही वो एंट्री हुई थी ना, उस समय ध्यान भटका और वो टेबल के नीचे चला गया। सबको नोटिसेस भट गए, वो जो 8 नोटिसेस का बंडल जो नीचे चला गया था और बाद में अभी तक किसी को मिला नहीं है, जब दिवाली की सफाई होगी तब मिलेगा, उन 8 मेंबर्स ने बवाल मचा दिया कि भैया आपने हमें नोटिस नहीं भेजा, जानबूझ के नहीं भेजा। अब कंपनी कह रही भैया हमने आपके भी जो है एनवेलप्स बनाए थे, अब कुरियर वाले ने गलती तो छोड़ दी है। फिर कंपनी में सफाई वफाई की थी, देखोगे अभी तक कहाँ रह गया, कुरियर वाले को अल्टीमेटम दिया गया तो वो पैकेट जो है वहाँ से निकल आया। लेकिन अब तो मीटिंग हो गई, नोटिस तो कब के बढ़ गए थे, मीटिंग भी हो गई। अब ये लोग शोर मचा रहे हैं कि भैया हमें नोटिस नहीं दिया, इसलिए इस मीटिंग को क्या कर दो, इनवैलिड कर दो। हाँ जी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? वैसे तो लॉ कहते हैं अगर आपने एक भी मेंबर को नोटिस नहीं भेजा, उसे मिला या नहीं मिला डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपने जरूर भेजा होना चाहिए। अगर आपने एक भी मेंबर को नोटिस नहीं भेजा है तो आपकी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी, लॉ तो ये कहता है। और अगर कुरियर वाले ने वही छोड़ दिया तो कंपनी की तरफ से तो पोस्ट हुई नहीं लेटर, पोस्ट हो जाती नहीं मिलती, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन पोस्ट तो होती ना, तो पोस्ट ही नहीं हुई, तो अब क्या करें? इसे लॉ नाम देता है एक्सीडेंटल ओमिशन, और लॉ कहता है भैया ह्यूमन एरर इज इनएविटेबल, तो अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है किसी को नोटिस देने से, तो फिर हम मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेंगे और उसको क्या मानेंगे, वैलिड ही मानेंगे। तो एक लाइन लिख लो, एक्सीडेंटल ओमिशन, लेकिन कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया कुरियर वाला आया था, रिसेप्शनिस्ट मैडम आई, ध्यान भटका, गलती से एनवेलप छूटे, टेबल के नीचे चले गए, मिले नहीं। दिस हैज टू बी प्रूव्ड कि दिस वाज एन एक्सीडेंटल ओमिशन, नॉट द इंटेंशनल ओमिशन। ठीक है, तो लाइन लिखो, एक्सीडेंट ओमिशन does not invalidate the meeting. ठीक है जी, अब देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मैंने बताई है, तो ऐसा करो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ना यहीं लिख के खत्म कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं उसमें। ठीक है, तो एक छोटी सी हेडिंग डाल रही हूँ मैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कहाँ जाती है पहला पॉइंट, अपने आप बोलो। हाँ जी, कब देनी है?
when there is special business to be transacted in meeting. OR और SR से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना, इसका business से लेना देना है. When special business to be transacted in meeting. क्या क्या लिखोगे इसमें? एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन का, क्योंकि रेजोल्यूशन में डिटेल्स नहीं लिखते, वो तो चार पांच लाइन का रेजोल्यूशन होता है, वो तो फरमान की तरह होता है. ठीक है, उसकी डिटेल्स क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना पैसा लगेगा, कब करेंगे, ऐसे सारा किस में लिखा जाता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में. लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजोल्यूशन. अब इसमें देखो समझने वाली चीज ये आती है, केएमपी सबको पता है ना, की मैनेजरियल पर्सोनल. अब डायरेक्टर्स हो गए हमारे, केएमपी हो गए, वो कंपनी के फायदे में ना अपना फायदा बहुत बनाते रहते हैं. ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस ऐसा ट्रांजैक्ट हो रहा है, कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा ट्रांजैक्ट हो रहा है जिसमें केएमपी इंटरेस्टेड है, तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि भैया हमारे ये वाले डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, हमारे ये वाले कंपनी सेक्रेटरी इंटरेस्टेड है. और अगर आप नहीं लिखते हो तो कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है. और अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हो रहा है, किसी ऐसी कंपनी के साथ डील हो रहा है जिसमें हमारा कोई केएमपी या कोई हमारा डायरेक्टर 2% की शेयर होल्डिंग रखता है, तो वो भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अगर ये दो डिस्क्लोजर आपने नहीं किए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, तो कंपनी क्या हो जाएगी? डिफॉल्टर. तो ये दोनों लिखे और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी. सेक्शन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का सेक्शन 102 है. ठीक, इफ नॉट डिस्क्लोज्ड in explanatory statement and it benefits promoter, director, KMP, he compensate to company. जो भी interested person है, he compensate to company. ठीक है, कंपनी को भरपाई करनी पड़ेगी. दूसरा, स्पेसिफाई डायरेक्टर, केएमपी, मैनेजर इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन इफ शेयर होल्डिंग एक्सीड 2% ऑफ डेटा. मतलब अगर कहीं पर भी कुछ भी कैसा भी इंटरेस्ट है ना, पछड़े में पढ़ना ही नहीं है, क्या कर दो, डिस्क्लोजर कर दो कि सच एंड सच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड. लिखने में एक लाइन लिखने में कुछ नहीं जाता. ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. ठीक है जी, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, कोरम. छोटा सा है, कोरम खत्म कर लेते हैं, अभी तो टाइम है. ठीक है, दो भी नहीं बजे तो लास्ट टॉपिक है कोरम और कर लेते हैं, फिर फिनिश कर देंगे क्लास. ये नोट हो गया सबका? चलो, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग 102 के बाद क्या आता है? 103 कोरम. पहले कोरम समझो होता क्या. सपोज करो मेरे 2000 शेयर होल्डर हैं, मैंने सबको चिट्ठियां भेजी, लेकिन चिट्ठी भेजने से आजकल आता कौन है? सबकी इतनी बिजी लाइफ, सबके अपने अपने अपॉइंटमेंट्स, सबकी अपनी अपनी डेट्स. ठीक है, कंपनी के लिए कहाँ किसी के पास टाइम है. अब लॉ कहता है आपके कितने शेयर होल्डर हैं, लेकिन जिस दिन मीटिंग है कम से कम 2 लोग तो आए, तब तो वो मीटिंग बनेगी. एक अकेला बंदा आया, क्या मैं उसको बोल दूँ जी मीटिंग हो गई जाओ, वही रेजोल्यूशन बना के वो रेजोल्यूशन पास कर गया, ठप्पा लगा गया, हाँ जी चलेगा काम? नहीं. हम ये कहते हैं आपकी कितनी बड़ी कंपनी, उसमें कम से कम कुछ लोग तो आए, तब तो हम कहें कि हाँ मीटिंग हुई. तो मिनिमम कितने लोग चाहिए एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए, उसका मतलब होता है कोरम. और
लॉ ने अलग अलग स्लैब्स दी हैं कि भाई अगर आपके इतने मेंबर्स हैं तो कम से कम इतने लोग आए, आपके इतने मेंबर्स हैं तो कम से कम इतने लोग आए, तब हम उसे क्या मानेंगे, वैलिड कोरम मानेंगे। अब देखो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी अलग अलग पढ़ते हैं, पहले पब्लिक कंपनी एक तरफ मैं ले रही हूँ कोरम यानी कि कितने मिनिमम लोग होने चाहिए, दूसरे अगर आपकी कंपनी में कितने मेंबर्स हैं तो मेंबर्स ऑन डेट ऑफ मीटिंग। अगर हम ये कहते हैं आपके यहां 1000 शेयर होल्डर से ज्यादा लोग नहीं है, पहला नॉट मोर देन 1000 यानी कि 1000 से कम शेयर होल्डर्स हैं, तो हम कहते हैं 5 मेंबर्स भी आ जाए ना पर्सनली, प्रॉक्सी में नहीं, प्रॉक्सी होती है कि मैंने अपनी जगह पड़ोसी को भेज दिया या मेरी अटेंडेंस लगा दी मेरी जगह वोट करेंगे, वो नहीं, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट 5 भी होंगे तो हम मान लेंगे कि भैया ठीक है मीटिंग जो है वो वैलिडली हो सकती है। तो अगर 1000 से कम शेयर होल्डर है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। एक हजार से लेकर 5000 तक शेयर होल्डर्स हैं, मोर देन 1000 अप टू 5000, तो हम कहते हैं अगर 5000 शेयर होल्डर है तो कम से कम 15 लोग तो आए उसमें से, तब तो मीटिंग को वैलिड करें हम, तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। और अगर आपकी कंपनी में 5000 से भी ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं तब कम से कम 30 लोग तो आए, तो हम कहेंगे हाँ जी मीटिंग हो एक्सीड 5000। थर्टी मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5, 15, 30 एक बार बोलो 5, 15, 30 और इधर कितने हैं 1000 और 5000, पहले 1000 तक, 1000 से 5000 और फिर 5000 से ज्यादा, 5, 15, 30 पहला अप टू 1000, 1000 टू 5000 एंड देन मोर देन 5000। और ये याद रखना मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं, प्रॉक्सी नॉट इंक्लूडेड, मेंबर खुद वहां हो। और अगर कोई ज्वाइंट मेंबर है, एक ही शेयर के दो मालिक है, तो उनको एक गिनेंगे दो गिनेंगे, उनको एक ही गिनेंगे, ठीक है। तो इतने लोग कम से कम हो पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में हम कहते हैं यार दो लोग तो हो तभी तो मीटिंग कहलाएंगे, दो लोग भी नहीं है तो मीटिंग क्या बनेगी। तो प्राइवेट में एक ही कोरम है, कितने भी मेंबर्स हो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, तो प्राइवेट कंपनी का एक ही कोरम है 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप एमओए और एओए पढ़ चुके, ठीक है, मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कहा मेरी कंपनी में 800 शेयर होल्डर्स हैं, मेरी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कहा नहीं जी 5 नहीं, कम से कम 8 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, तो मेरा कोरम 5 मेंबर्स होगा या 8 मेंबर होगा, 8, क्योंकि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रिजिड कर सकते हो कंपनी लॉ से, ठीक है ना, क्योंकि अगर 8 आते हैं तो कंपनी लॉ की 5 की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोरम बढ़ा सकते हो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, लेकर घटा नहीं सकते। क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको 4 मेंबर कर सकता है? नहीं, ये अलाउड नहीं, ये परमिटेड नहीं, ठीक है। तो मिनिमम 5 तो चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख के उसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो जी अब यहाँ पर 5 मेंबर की कहानी लेके चलते हैं, मेरे यहाँ 800 शेयर होल्डर है, 5 लोग आने चाहिए, मीटिंग का टाइम है सपोज करो 2 बजे, ठीक है 2 बज गए, पहला मेंबर आया, दूसरा आया, 2:30 बजने वाले हैं, तीसरा आया, कितनी देर तक मैं 5 लोगों का इंतजार करूँ, बैठी रहूँ शाम तक, 5 आ जाओ तो मीटिंग शुरू करें, 5 आ जाओ तो मीटिंग शुरू करें, हाँ जी, या इसकी एक टाइम लिमिट लगा दें, टाइम लिमिट 1/2 घंटा, लॉ ये कहते हैं भैया कोरम को आधे घंटे तक, देखो आधे घंटे तक कोरम आ जाता है तो ठीक है मीटिंग शुरू करो, नहीं तो मीटिंग एडजर्न कर दो, सेम डे टाइम एंड प्लेस इन दी नेक्स्ट वीक, ठीक है आधे घंटे तक वेट करना है, नॉर्मल मीटिंग है तो आधे घंटे तक वेट करो, लोग नहीं आते तो एडजर्न कर दो। अगर मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई हुई थी और आधे घंटे तक भी पूरा कोरम आता नहीं है, फिर क्या करें मीटिंग का,
जिसने बुलाई थी मीटिंग वही लोग आए नहीं है, एडजर्न करें या वहीं पे खत्म करें कहानी, खत्म करें कहानी। अगर रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाई है और आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आता है तो हम कहते हैं भैया कोई एडजर्नमेंट नहीं है, जिन्होंने बुलाई थी वही नहीं आए तो अगली बार के आएंगे, छोड़ो जी खत्म, अब ये मीटिंग होगी ही नहीं। और नॉर्मल मीटिंग थी कॉल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो आधे घंटे तक वेट करो, कोरम आता है वेल एंड गुड, कंटिन्यू विद योर मीटिंग, नहीं आता है तो क्या कर दो, एडजर्न कर दो, ठीक है। अच्छा अब सपोज करो आधे घंटे के अंदर मेरे 6 लोग आ गए, मेरा कोरम पूरा हो गया, 800 शेयर होल्डर में 6 लोग आ गए। अब मीटिंग शुरू हुई 10 मिनट बाद ही उठ के एक चला गया, उसके 15 मिनट बाद दूसरा चला गया, उसके 20 मिनट के बाद तीसरा भी चला गया, कितने रह गए, 3 रह गए। क्या मीटिंग चलेगी या खत्म हो जाएगी? मीटिंग चलेगी। कोरम सिर्फ एट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट देखना है, उसके बाद कोरम थ्रू आउट द मीटिंग रहता है या नहीं रहता है उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स है कोरम में लिख लो, देन कोरम विल बी ओवर। सेकेंड पॉइंट है इसमें, विद इन हाफ एन आवर कोरम नॉट प्रेजेंट अगर मीटिंग कैसी है ऑन रिक्विजिशन डिसॉल्व खत्म, और अगर नॉर्मल मीटिंग है नॉट ऑन रिक्विजिशन एडजर्नमेंट। और एडजर्नमेंट कैसी होगी, सेम डे इन नेक्स्ट वीक, सेम टाइम एंड प्लेस। अगर आप कोई और जगह टाइम प्लेस भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर फिर मीटिंग जो एडजर्न मीटिंग की डेट है उससे 3 दिन पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देना कि भैया हमारी एडजर्न मीटिंग यहां पर होगी, तो लिख दो कंपनी गिव 3 डेज नोटिस टू मेंबर्स, या तो इंडिविजुअली दे दे अगर थोड़े से मेंबर्स हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे दे इंडिविजुअली और बाय एडवर्टीजमेंट। अच्छा जी, अगर एडजर्न मीटिंग में भी आधे घंटे में कोरम नहीं आया तो क्या करें? चलो जी, पहली मीटिंग में तो मामला समझ में आया, एडजर्न कर दी, अगले हफ्ते मीटिंग आ गई, फिर हम टकटकी लगा के दरवाजे पे देख रहे हैं, आ जाओ कोई तो आ जाओ, बड़ी देर कर दी आते आते, आधा घंटा हो गया, अब क्या करें, फिर एडजर्न करें या खत्म करें? खत्म करें। अगर एडजर्न मीटिंग में भी आधे घंटे में कोरम नहीं आता तो भैया खत्म करो, कितना एडजर्नमेंट करके कितनी राह देखोगे, कितना इंतजार करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ एट एडजर्न मीटिंग कोरम नॉट प्रेजेंट सॉरी खत्म नहीं करेंगे, जितने मेंबर्स हैं उसी के साथ क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। तो यानी कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता है तो यानी फिर तो कभी मीटिंग हो ही नहीं पाएगी ना हमारी, तो फिर जितने मेंबर्स हैं उन्हीं को मान के कोरम हम क्या कर लेंगे, मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, फर्दर एडजर्नमेंट हम उसकी नहीं करेंगे। तो नहीं एक भी नहीं आया तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं ना, फिर तो खत्म, फिर तो दोबारा से मीटिंग बुलानी पड़ेगी। लेकिन कोरम वाले मेंबर्स नहीं आए लेकिन कम से कम 2 मेंबर्स आए, क्योंकि मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट, अब देखो एक मेंबर को मीटिंग माने नहीं माने ये ना बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, अलग अलग कोर्ट्स की बड़ी अलग अलग जजमेंट है। कुछ कोर्ट्स ने बोला है अगर एक व्यक्ति भी आया काम तो कर सकता है, आप कंपनी का काम क्यों रुकवा रहे हो, एक को ही मीटिंग मान लो। कुछ कोर्ट्स कहते हैं नहीं भाई मीटिंग का मतलब ही है मिनिमम 2 पीपल, मिनिमम 2 पार्टी, तो ये अलग अलग डाइवर्सिफाइड व्यूज है, तो इसमें मैं अपनी कोई जजमेंट नहीं दे सकती कि एक मेंबर को कोरम माने या नहीं माने, मीटिंग माने या नहीं माने,
ठीक है, लेकिन अगर पांच मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, पांच नहीं आते हैं, जनरल मीटिंग में तीन ही आए हैं, तो तीन को मान के हम क्या कर लेंगे, मीटिंग को कंटिन्यू कर लेंगे। तो इफ एट जनरल मीटिंग कोरम नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट मेंबर शैल बी कोरम। Present members shall be quorum. और एक last line लिख लेना, quorum throughout the meeting is not required. Quorum throughout the meeting is not required. Starting point पे देखना हमें quorum. कौन सा कोरम थ्रू आउट द मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, पूरी मीटिंग में कोरम नहीं चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे चाहिए। और यहां पर आपका कोरम भी खत्म, क्या है, पांच पंद्रह तीस, लेस देन थाउजेंड, थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड एंड मोर देन फाइव थाउजेंड। प्राइवेट कंपनी में कितने, दो, कितनी देर इंतजार करना है, आधा घंटा। अगर रिक्विजिशन पे मीटिंग है, कोरम नहीं आया तो डिसॉल्व खत्म, नॉर्मल मीटिंग है तो एडजर्न, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो जितने लोग प्रेजेंट हैं उन्हीं को मान के हम क्या कर देंगे, मीटिंग को कंटिन्यू कर देंगे। क्या कोरम पूरे टाइम पे चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। चलो नेक्स्ट चेयरमैन से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट।